आज के इस वीडियो में हम आपको ये फैब्रिक ट्रैवल बैग की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। ये हमने फ्रंट और बैक के लिए दो शीट बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, और इसके बीच में हमने इस तरह से प्लास्टिक का कट्टा रखकर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो इसके लिए आप कोई भी गेहूं, आटे, चावल, किसी का भी प्लास्टिक का जो गट्टा होता है वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप फोम शीट भी इसके बीच में लगाकर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई हमने ली है 22 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 15 इंच। तो इस तरह से हमने सेम साइज में ये दो पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। और इसके साइड पार्ट बनाने के लिए हमने इस तरह से ये दो पीस लिए हैं। तो इसमें ये हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है और ये प्लास्टिक का कट्टा इसके बीच में लगाया है, और ये हमारा मेन फैब्रिक। तो इसी तरह से हमने दोनों में इस तरह से रख के तीनों पार्ट को इसे पिनअप कर लिया है इस तरह से। तो इस तरह से आप पिनअप कर लें जिससे कि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं, दोनों पीस को इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 15 इंच। तो इस तरह से दोनों पीस हमने सेम साइज में कट किए हैं, तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने दोनों शीट पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों शीट तैयार कर ली हैं। तो ये साइड पार्ट है, तो साइड में हम पॉकेट बनाएंगे। तो इसके लिए हम लगभग 9 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहां से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं सीधी, और यहां से हम इसे कट कर लेते हैं। और ये हमने जिप ली है, तो ये इसका सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। तो इसका रनर हमने निकाल दिया है जो हम बाद में लगाएंगे। तो यहां से हम इसे इस तरह से रखेंगे, इसका जिप का सीधा साइड हम कपड़े के सीधे साइड रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम यहां पर इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, ये हमने इस पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहां से हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे, यहां पर ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे इस तरह से मोड़ेंगे, और इस तरह से मोड़कर हम यहां पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगानी है इस पे। तो देखिए, ये हमने इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगाने से यहां से ये कपड़ा इस तरह से दब जाता है और जिप में धागे नहीं आते हैं कपड़े के इस तरह से। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और यहां पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहां पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे, और यहां पर ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखकर, और इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हम यहां पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने इस साइड भी इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है,
जिससे कि यहाँ पर ये जिप है वो अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसमें रनर डालेंगे, तो इस तरह से एक साइड से हम इसके अंदर रनर डाल लेते हैं। देखिए ये हमने इसमें रनर डाल लिया है इस तरह से। तो अब जिस तरह से हमने यहाँ पर इसमें जिप लगाई है इस वाले पार्ट में, उसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी यहाँ पर इस तरह से जिप लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरे पार्ट पर भी जिप अटैच कर ली है। अब इस तरह से हमने इसके बराबर से दो पीस कट किए हैं इस तरह से। तो इनको हम इसके बैक साइड में इस तरह से रखेंगे दोनों पार्ट पर। इस तरह से रखकर हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों पीस पर बैक साइड में कपड़ा स्टिच कर दिया है इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये पॉकेट रेडी हो गई हैं दोनों साइड, देखिए इस तरह से, और इसमें भी इस तरह से ये पॉकेट रेडी हो गई है। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट है दोनों शीट का, तो यहाँ से हम कोने को इस तरह से हल्का सा राउंड में कट कर देंगे। तो इस तरह से कॉर्नर को हम हल्की सी गोलाई देते हुए कट कर देते हैं यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। दूसरे साइड से भी इसी तरह से कट कर देते हैं। दूसरे पार्ट को भी हम इसके बराबर से ही कट कर लेंगे। इस तरह से रखना है, उसके बराबर से कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों पीस को ऊपर से कट कर लिया है। अब ये हमने फ्रंट और बैक के लिए जो दो पीस बनाए थे, तो इनमें हम इधर से हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और इधर से भी हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे। इस तरह से हमने निशान लगाया, और अब यहाँ से नीचे की तरफ से हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे। तो इस तरह से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और इस साइड भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम ये हमने स्ट्रैप कट की है ये लगाएंगे। तो इस तरह से हमें स्ट्रैप लगानी है, और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है 8-8 इंच पर, यहाँ तक हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो इसे इस तरह से रखना है, और इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई करेंगे यहाँ तक और इस तरह से। दूसरे साइड भी हम इस तरह से सिलाई करेंगे यहाँ तक और फिर इस तरह से, और यहाँ पर हम 2-3 बार इस तरह से सिलाई को लॉक कर देंगे अच्छी तरह से। और ये जो हमने स्ट्रैप ली है इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हमने ली है। तो इसकी लेंथ है लगभग 38 इंच इसकी लेंथ हमने ली है। अगर आप ज़्यादा लंबी लेना चाहते हैं स्ट्रैप, तो ज़्यादा लंबी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने दूसरे पीस पर भी इसी तरह से मार्किंग कर रखी है, तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर स्ट्रैप अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों पीस तैयार कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ तक सिलाई लगाकर इसके ऊपर। देखिए इस तरह से हमने दोनों पीस पर ये स्ट्रिप सिलाई लगाकर अटैच कर ली है। इस तरह से दोनों पीस पर हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हम इस पर जिप लगाएंगे ऊपर की साइड। तो इस तरह से हमने इसका भी रनर निकाल दिया है, हम बाद में डालेंगे रनर। तो इस तरह से ये जिप ऊपर की तरफ यहाँ पर अटैच होगी।
तो इस तरह से ये जिप का राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से हम इसके राइट साइड को कपड़े की तरफ रखेंगे, राइट साइड की तरफ इस तरह से रखना है। और इसके ऊपर यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस साइड हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े की तरफ, इस तरह से फोल्ड करके, और इसके ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ तक हम इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। देखिए इस तरह से टॉप स्टिच लगाने से यहाँ पर ये सिलाई फिक्स हो गई है। अब हम जो दूसरा पार्ट है इसे हम इस तरह से रखेंगे, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए, और इस तरह से रखकर यहाँ पर हम इस जिप के ऊपर सिलाई लगाकर इस दूसरे पार्ट पर भी इस जिप को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस साइड भी हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। इस साइड भी हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब ये हमने एक स्ट्रिप कट की है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इस तरह से दो स्ट्रेप तैयार कर ली हैं। तो पहले हम यहाँ पर दोनों साइड से इस तरह से इसमें रनर डालेंगे चैन में। तो एक रनर हम इस साइड से डालेंगे और एक रनर हम इस साइड से डालेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से हम इसमें रनर डाल लेते हैं चैन में। इस तरह से हमने दोनों साइड से इसमें रनर डाल लिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें रनर डाल लिए हैं। अब हमने ये जो स्ट्रेप तैयार की है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसे हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और दूसरे स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दूसरे साइड हम इसे इस तरह से इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइड में अटैच करने के लिए हमने ये जो दो पार्ट बनाए थे इनके ऊपर भी हमने जिप पर इस तरह से स्ट्रिप अटैच कर लिए हैं दोनों साइड। तो इस तरह से ये स्ट्रिप अटैच करने से ये जिप यहाँ से लॉक हो जाती है, जिससे कि रनर यहाँ से निकलता नहीं है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट पर इस तरह से ये कपड़े की स्ट्रिप बनाकर सिलाई लगाकर अटैच कर ली है। अब देखिए इसका हम इस तरह से पकड़कर सेंटर पॉइंट निकालेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे इसे और यहाँ पर है इसका सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर ये हमने निशान लगा लिया इस तरह से। तो इस तरह से निशान लगा के आप यहाँ पर ये इस तरह से अटैच होगा, इस तरह से अटैच होगा। तो यहाँ पर जो हमने सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया है इसे हम इस तरह से जिप के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर ये जिप है तो यहाँ पर इस तरह से रखकर हम इसे इस तरह से एक बार नाप लेते हैं। तो इस तरह से इसे नाप लीजिए और यहाँ पर हम लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा इतना हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ जो बॉटम में जो पार्ट अटैच होगा वो इसके साथ स्टिच होगा। तो इतना पार्ट आप छोड़ दें और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे आप कट कर लें। तो इसी तरह से हम दोनों पीस में से लगभग इतना पार्ट कट कर देंगे। देखिए लगभग ये 1.5 इंच है तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो देखिए दोनों पार्ट में हमने नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। बॉटम में लगाने के लिए हमने ये एक और शीट बनाई है। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 23 इंच। 23 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। तो अब इस शीट के ऊपर हम ये जो हमने दोनों पार्ट बनाए हैं साइड के इनको हम इस तरह से रखेंगे। तो दोनों के राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं। दूसरे पार्ट को भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है।
और यहाँ पर इस तरह से हमने इसे करके इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा ली है। इस तरह से जो बॉटम साइड का पार्ट है उसकी तरफ करके हमने इसे इस तरह से करके और इसके ऊपर यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा ली है। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसे इसके ऊपर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो इसे हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमने जो सेंटर में यहाँ पर निशान लगाया था इसे इस सेंटर वाले निशान को हमें यहाँ पर जो पार्ट है इसकी जो जिप है इस जिप के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करना है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इसके ऊपर इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसके चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। इस साइड सिलाई लगानी है उसके बाद हम इस साइड सिलाई लगाएंगे। इस साइड इस तरह से सिलाई लगानी है और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है इस साइड का इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर इस जिप के साथ इस तरह से मिलाते हुए यहाँ तक हमें इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से आगे हम इस तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसे सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से और इसके चारों तरफ हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसके चारों तरफ इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब यहाँ से ऊपर की तरफ से ये जो हमने जिप अटैच की है यहाँ से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा ट्रैवलिंग बैग बनकर तैयार हो गया है और ऊपर की तरफ हमने ये जो दो रनर लगाए हैं ये हमने इस तरह से लगाए हैं कि आप कहीं जाएं तो इस तरह से यहाँ पर इसे लॉक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये ट्रैवलिंग बैग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।